कैसे हैं आप सब? कशा भलशा खम्मा घनी। सो गाइज, दिस इज किरण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पति पत्नी। और वो अगर गाइज आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। तो गाइज, आज के इस व्लॉग में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड हेयर ऑयल। यस गाइज, कुछ नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स के साथ आज हम घर पर ही ये होममेड हेयर ऑयल प्रिपेयर करेंगे। तो गाइज, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मुझे मिले हैं। मैं पिछले 2-3 महीने से इस ऑयल का यूज़ कर रही हूँ अपने बालों पर, और क्योंकि मुझे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी जैसे हेयर फॉल, डैंड्रफ और दो मुहे बाल, तो मैंने इस हेयर ऑयल को यूज़ किया। सो गाइज, आज हम कुछ नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स की हेल्प से ये होममेड हेयर ऑयल तैयार करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस होममेड हेयर ऑयल के इन्ग्रीडियंट्स। हियर वी गो। सो गाइज, होममेड हेयर ऑयल बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लूँगी गुड़हल का फूल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है हिबिस्कस। यस गाइज, हिबिस्कस फ्लावर बहुत ही यूज़फुल होता है फॉर हेयर ग्रोथ। इसमें अमीनो एसिड यानी कि कैरेटिन पाया जाता है, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है एंड इट कंट्रोल्स हेयर फॉल ऑल्सो। सो गाइज, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 2 गुड़हल के फूल ले लिए हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पर लूँगी एलोवेरा। एलोवेरा में प्रोटियोलाइटिक नाम का एंजाइम होता है जो कि बालों की स्केल्प की डेड स्किन सेल्स को रिपेयर करता है और बालों के लिए एक बहुत ही अच्छा कंडीशनर का काम करता है। इसी के साथ बालों को बनाता है स्मूथ एंड शाइनी। सो अभी आप देख सकते हैं होममेड हेयर ऑयल के इंग्रेडिएंट्स, गुड़हल के फूल और एलोवेरा हमने ले लिए हैं। इसी के साथ यहाँ पर मैंने लिया है अनियन, जो मैंने मीडियम साइज में चॉप कर लिया है, फेन्यूग्रिक सीड, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, आमंड हेयर ऑयल। ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। इसमें गाइस विटामिन ई पाया जाता है जो कि हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाता है एंड स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम को फिक्स करता है। इसी के साथ मैंने लिया है वर्जिन कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल बालों को बढ़ने और बालों को घना करने में मदद करता है। इसमें एसेंशियल फैटी एसिड्स और विटामिन पाए जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एलोवेरा को पील ऑफ करके इसको टुकड़ों में काट लिया है। अब मैं यहाँ पर एक पैन लूँगी। जनरली मैं इसी पैन में अपना ऑयल तैयार करती हूँ, तो मैंने पैन में ले लिया है कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो अभी हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चॉप किए हुए मीडियम साइज के अनियन। यस गाइस, मैंने अनियन को रफली चॉप कर लिया था और अब हम इसे ऑयल में मिक्स कर देंगे। इसी के साथ मैंने लिया है फेन्यूग्रिक सीड्स यानी कि मेथी दाना, जो कि बालों की हेयर फॉल प्रॉब्लम और डैंड्रफ प्रॉब्लम को रिमूव करता है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एंड गाइस, गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। इसी के साथ अब मैं इसमें ऐड करूंगी कटे हुए एलोवेरा के टुकड़े, ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर ही इन सभी इंग्रेडिएंट्स को हम पकाएंगे और इसे बीच बीच में इसी तरह से चलाते रहेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेथी दाना पाउडर ऐड करूँगी क्योंकि मैंने फेन्यूग्रीक सीड्स कम ऐड किए थे। तो अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ अब मैं ऐड करूँगी आमंड ऑयल। आमंड ऑयल आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं।
यस गाइस, आमंड हेयर ऑयल में ओमेगा फैटी एसिड्स 3 और 6 पाए जाते हैं। और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़हल के फूल कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने फ्लेम को अभी लो कर दिया है और लो फ्लेम पर मैं इस ऑयल को बीच में चला रही हूँ। और अभी मैं इसमें ऐड करूँगी गुड़हल के फूल। तो गाइस, गुड़हल के फूल हमें लास्ट में ही ऐड करने हैं वरना गुड़हल के फूल जल जाएंगे। एंड देखिए आप, गुड़हल के फूल का कलर चेंज हो चुका है। एंड इसी के साथ जो अनियन और एलोवेरा थे उनका कलर भी चेंज हो चुका है, ऑलमोस्ट ये जल चुके हैं। तो अब हम इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे। और अभी आप देख सकते हैं हमारा होममेड ऑयल तैयार हो चुका है। इसे हम स्ट्रेन कर लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए गाइस, हमारा होममेड ऑयल प्रिपेयर हो चुका है। अब आप किसी भी डिब्बे में भर के रख सकते हैं। सो गाइस, ये होममेड ऑयल कभी ख़राब नहीं होता और काफ़ी दिनों तक चल जाता है। इवन महीनों तक भी आप इसे यूज़ करेंगे तो ये कभी ख़राब नहीं होगा। सो गाइस, हमारा होममेड हेयर ऑयल प्रिपेयर हो चुका है। एंड गाइस, बिलीव मी, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। गाइस, इस हेयर ऑयल के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि आपके बाल स्ट्रांग हो जाएंगे और हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो कम हो जाएगी, डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो वो भी रिमूव हो जाएगी। गाइस, डेफिनेटली आई विल रिकमेंड दिस होममेड हेयर ऑयल। आप भी ज़रूर प्रिपेयर कीजिए अपने घर पर और इसे अपने बालों पर अप्लाई कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और किसी भी तरह की एलर्जी आपको होती है तो आप इसे स्किप कर दीजिए। तो गाइस, इसी तरह के ब्यूटी टिप्स, हेल्थ टिप्स, ट्रैवल ब्लॉग्स, कुकिंग ब्लॉग्स एंड डेली ब्लॉग्स के लिए आप मेरे चैनल पति पत्नी और वो को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके। एंड आप बने रहिए इसी तरह और अपना प्यार देते रहिए। तो गाइस, सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। एंड गाइस, यस, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बिकॉज ऑफ योर स्माइल you make your life more beautiful. So guys, bye bye.